मैं ठोकर रख देंगा। इन्हों ने पुछो पुछो मदीने की रियासत दावेदार आए हैं डॉक्टर को पूछे कि मेडिकल रैप को पैसे नहीं ले कि ड्यूटियां इतने देंगे तो जाके भैन चो अपने परसनल प्राइवेट क्लीनिक जाके पेंदे ने 5 लाख रुपया साढ़े को मंगने है 5 लाख रुपये डेडबॉडी दे देना भाई ने 5 लाख रुपया मंगने ने लाना तो है इस एमएससी को पूछो जाके एमएससी कितने यार ने 5 लाख रुपया मांग रहे कि मुल पाया इन्होंने पूरा बंदा मर गया तुहाडे पैच और मुंह नू लहू लगा है ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਚ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਛੜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਨਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪੀਡੀਸੀਐਲ ਲੱਗਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਇੰਨੀ ਸਫਾਕੀਅਤ ਇੰਨੀ ਸਫਾਕੀਅਤ 1 ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सारे अपने अपने मरीज बचा लो ए इमरान खान की भैन ही यक गौरमेंट ए बचा लो मार देने सारे सिर्फ इंटरनेशनल एड लैन के चक्कर च किसी नु कोई कोरोना नहीं इंटरनेशनल लेवल से दस देने कोरोना है 5 लाख रुपया मिलता उतो4 दिन हो गए 3 दिन पहले टेस्ट इतने हो सड़क इलाज कर रहे हो रोटी देन दे वखरे पैसे लेंदे ने अंदर मैं खुद 200 रुपया दिता ओनू ओने कहा मैं बोतल पीनी मेनू पैसे दे मैं तेरी रोटी अंदर दे के आना मैं चो करतूत ने बड़े तू लेके छोटा तक हाँ करो तक 200 रुपया लेके अंदर रोटी दे रहा है ऐ दी ऐ इमरान खान दी भैन चोदा ऐ ऐ मदीने दी रियासत छोटे तू लेके बड़े तक तुसी दूसरी गल करके वेख लो मार फुट के मारनगे मैं जर्नलिस्ट हां मैनू इहनां दी एक एक करतूतां दा पता है लेकिन नहीं बोल रहा लेकिन हुण बोलांगा दसांगा मेडिकल रैप दे कोलों किवें पैसे लिया के इन्होंने बिल्डिंग खिलारियां ने हस्पताल बनाए ने अपने हर दवाई के पिछे भैन चो 40-40% लेंगे ने अजी भैन मैं अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम हाफिज साकिब है मैं इस वक्त ये न्यू हॉस्पिटल के सर्जिकल टावर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं सर्जिकल टावर न्यू हॉस्पिटल यहाँ पे मेरी वालदा की थोड़ी देर पहले डेथ हुई है ठहर जा एक मिनट ठहर यहाँ पे मेरी वालदा की थोड़ी देर पहले डेथ हुई है हम लोग मगर कल से यहाँ पे हैं ये बिल्कुल सामने एमरजेंसी वार्ड है और ये कैफेटेरिया है हम लोग 6 बजे यहाँ से डॉक्टर साहब से पूछ के निकले हैं डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक है जी तो हम लोग वहाँ पे ये सामने कैफेटेरिया आप देख रहे होंगे हम लोग उधर जाके बैठ गए हैं तो अब ये खाना लेकर के आया भाई छोटा हम अंदर खाना भिजवाने लगे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी वालदा की डेथ हुए 3 घंटे हो गए हैं अब ये 3 घंटे बाद हमें सारा कुछ बता रहे हैं हमारा टेलीफोन नंबर भी अंदर लिखा हुआ है ये मैं न्यू हॉस्पिटल में खड़ा हूँ ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं ये आप देख लीजिए और ये हमसे डेड बॉडी लेकर के जाने का 5 लाख रुपया मांग रहे हैं मेरा मसल महमूद है मैं 92 न्यूज़ में काम करता हूँ यहाँ पर हमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि आपकी वालदा की तबीयत ठीक है अब जब हमको यहाँ पे आए हैं खाना देने के लिए तो इन्होंने हमें आगे बता दिया कि जनाब इसी तरह से आपकी वालदा की डेथ हो चुकी है मेरा पर्सनल नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है मैं दे के आया था फाइल के ऊपर लिखा है इनकी नर्सियाँ जो बैंक बंक पी के सोई रहती हैं किसी एक ने फ़ोन नहीं किया उनको अपने यारों से बात करने से फुर्सत हो तो वो कोई काम करें दूसरी बात इमरान खान और उस्मान बुज़दार तुम लोगों की हुकूमत की धज्जियाँ इन लोगों ने उगराई हैं वकीलों ने जो इनके साथ किया था ये तो सफ़ेद पोशाक पहन के सफ़ाद कातिल हैं 5 लाख रुपया हम लोगों से हमारी डेड बॉडी के लिए ये लोग मांग रहे हैं कौन मांग रहे हैं हम नहीं देंगे इधर आओ क्या हो गया नहीं सर नहीं हसन है नहीं हसन